हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स यू ऑल इन ऑनलाइन क्लासेस बाय माउंट लकी एकेडमी सेकेंडरी स्कूल बालोतरा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्डर विच इज कॉल्ड द डिसेंडिंग ऑर्डर। इन अर्लियर सेशन वी हैव ऑलरेडी डन अबाउट द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था लास्ट सेशन में। व्हाट इज द असेंडिंग ऑर्डर? इट इज द ऑर्डर ऑफ ए नंबर अरेंज इन द स्मॉलेस्ट टू द हाइएस्ट। क्या है ये? स्मॉलेस्ट टू द हाइएस्ट का अरेंजमेंट है। Smallest to highest. It is the arrangement of a number from smallest to the highest. Just reverse of ascending order is the descending order. वो क्या है हमारा? Descending order. ये क्या हो जाएगा? Descending order is the arrangement of numbers from highest to smallest. ये क्या है? It is the arrangement of a number from smallest to the highest. ठीक है, smallest to the highest is the descending order. हिंदी में आपकी अवरोही और आरोही क्रम, ठीक है, ascending order and descending order. These are the arrangement of a number from highest to the smallest. अब कुछ examples हम study करते हैं, ठीक है। Here we have the number 2, 5, 6, 1, 9। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब हमें इसे क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में फॉर्म करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द डिसेंडिंग ऑर्डर वी हैव टू अरेंज। अब इसकी डेफिनेशन क्या थी? अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर फ्रॉम हाइएस्ट टू द स्मॉलेस्ट। क्या है? हाइएस्ट टू द स्मॉलेस्ट। अब हाइएस्ट, वी हैव टू फाइंड द हाइएस्ट नंबर एज वेल एज स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, इनका अरेंजमेंट। सो वी हैव टू कंपेयर करना पड़ेगा हमें हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट कौन सा है इसको बताने के लिए। देखो, जैसे हमारे पास कोई टू नंबर्स है 4 और 8, सो इसके हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट को हमें बताने के लिए वी हैव टू कंपेयर इट। क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। सो 4 और 8 के बीच में हमें रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा जो शो करेगा कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। वी हैव ए 3 साइन विच इज द लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। यही हमारे 3 साइन सिस्टम है, इन्हीं को हम यूज करते हैं रिलेशन क्रिएट करने के लिए। 4 और 8, 4 और 8 के बीच में कौन सा रिलेशन आएगा? ये वाला। दिस शोज द 4 इज लेस देन 8। क्या शो करता है ये? जो 4 है वो हमारा क्या है? लेस देन 8 है। सो ये हो गया इन दोनों के बीच का रिलेशन। उसी तरह हमें क्या करना है? अरेंज करना है सारे नंबर्स का 2, 5, 6, 1 और 9, ठीक है। नाउ हाइएस्ट टू द स्मॉलेस्ट, सो इनिशियली वी हैव टू फाइंड द हाइएस्ट नंबर। कौन सा हाइएस्ट है इसमें से? 2, 5, 6, 1 और 9। जो हमारे सारे नंबर हैं इनमें से हाइएस्ट कौन सा है? ऑब्वियसली 9। ये वाला क्या है? हमारा हाइएस्ट है। सो प्लेस हियर 9 फर्स्ट पोजिशन में आ जाएगा। देन 9 से स्मॉलर कौन सा है अब, ठीक है, विच इज द वेरी नियर टू द स्मॉलेस्ट। 9 से सबसे पास का स्मॉलर 1। 9 और 1 के बीच में कितने नंबर होते हैं? 8 नंबर्स होते हैं, 6, 5 और 2। अब 9, 8, 7, 6, पहले कौन सा आता है? 6 आता है। सो यहाँ पे आ जाएगा 6। देन वी हैव 6, 5, देन वी हैव 2, देन वी हैव 1, ठीक है। तो यही हो गया अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। ये क्या हो गया हमारा? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। इफ द क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट टू अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? जस्ट रिवर्स ऑफ द डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। 1, 2, 5, 6 और 9, ये हो गया अपना असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अबोव वन है वो क्या है? डिसेंडिंग, विच शोज द हाइएस्ट टू द स्मॉलेस्ट। और बिलो वाला क्या है हमारा? असेंडिंग ऑर्डर, विच शोज द स्मॉलर टू द हाइएस्ट। स्मॉलर, बिगर, बिगर, बिगर एंड हाइएस्ट, ठीक है, बिगेस्ट आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी अरेंज ए नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। लेट्स डू सम मोर एग्जाम्पल्स, कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं हम। ये 1 डिजिट के एग्जाम्पल्स दे। नाउ वी हैव टू टेक 2nd डिजिट नंबर एग्जाम्पल। नंबर्स कंटेंस द 2 डिजिट, 2 नंबर ऑफ डिजिट, उसके एग्जाम्पल करते हैं। लेट्स टेक 24, 19, 26, 42, 97, 88, इनको हमें अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में।
ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हाइएस्ट टू दी स्मॉलेस्ट, क्या करना है, हाइएस्ट टू दी स्मॉलेस्ट में अरेंज करना है। सो फाइंड दी हाइएस्ट नंबर, हाइएस्ट नंबर कौन सा है वो हमें फाइंड करना है। 24, 19, ये हाइएस्ट हो गया 19 से, 26, 24 से भी हाइएस्ट हो गया 26, 26 से हाइएस्ट हो गया 42, 42 और 97, ठीक है, देन 88, 88 इज हाइएस्ट देन दी 42, देन 88, 88 से हाइएस्ट हो गया 97, सो हाइएस्ट कौन सा हो गया हमारे पास, 97 आ गया, ठीक है। अब स्मॉलर देन दी 97 इज कौन सा आएगा हमारे पास, 88 एंड 42, 26, सो 88, कौन सा आया, 88, 88 से स्मॉलर कौन सा होगा, नियर बाय स्मॉलर, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर हमारा प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। 88 के बाद 42, इन दोनों के बीच में कोई नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, सो हियर वी हैव दी 42, देन 26, 26, 24 एंड 19, दिस इज दी अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर इन दी हाइएस्ट टू दी स्मॉलेस्ट, विच शोज दी डिसेंडिंग ऑर्डर, ये क्या हो जाएगा हमारा, डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। दिस इज हाउ वी अरेंज ए नंबर इन टू दी डिसेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो जस्ट रिवर्स ऑफ इट, क्या हो जाएगा इसका, रिवर्स हो जाएगा, 19, 24, 26, 42, 88 एंड फाइनली 97, दिस इज दी असेंडिंग ऑर्डर, क्या हो जाएगा हमारा, असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो ये थे हमारे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये टू डिजिट्स में हुए, अगर थ्री डिजिट फोर डिजिट में हो तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, जैसे कोई टू नंबर से 4, 5, 7, 3, 26, 6, 97, ये कोई तीन नंबर है, इनको हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, हाइएस्ट टू द स्मॉलेस्ट। फर्स्ट डिजिट इसका कंपेयर कीजिए, 4 है, 3 है और 6 है, विच इज़ द हाइएस्ट, 6, सो ऑब्वियसली 6, 9, 7, देन 4, 5, 7, देन 3, 2, 6, तो ये हो गया इसका डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट। इफ सेम डिजिट आती है, देखो 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6 एंड 6, अगर ये आ जाती है तो हम क्या करेंगे, 4, 5, 6 तीनों का कंपेयर करेंगे, 6 इज द ग्रेटर देन 5, 5 इज द ग्रेटर देन 4, तो ये इसका अरेंजमेंट हो जाएगा। अब ये अरेंज किस फॉर्म में है, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, डिसेंडिंग के लिए जस्ट रिवर्स ऑफ द असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी अरेंज ए नंबर इन द डिसेंडिंग एंड द असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन, नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।